तो दोस्तों मेरा नाम है मुश्ताक, आप देख रहे हैं मुश्ताक नर्सरी यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि एग्लोनिमा प्लांट अगर आपके घर पे है, काफी पुराना हो चुका है, और किस तरीके से तैयार करना है। इस तरीके से अगर आपके भी, देखिए कितना घना हो रहा है, अगर आपके घर में भी इसी तरीके से घना प्लांट हो रहा है, बहुत सारे प्लांट्स निकल रहे हैं नीचे से, तो इनको अलग अलग कैसे करना है ना, प्लांट कैसे तैयार करने हैं, आज यही हम आपको प्लांट अलग करके दिखाएंगे। और इसी तरीके से आप भी करिएगा, ठीक है। तो दिखाते हैं हम आपको, आपके गमले में प्लांट जो लगा हुआ है इस तरीके से निकाल लेना है, ठीक है। ये देखिए कितनी अच्छी सी जड़ें हो रही है इसकी, ठीक है। और साइड साइड से इस तरीके से मिट्टी को ऐसे ऐसे हटा लेना है थोड़ा थोड़ा सा, इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से अलग अलग कर लेने हैं। अब हमने इसमें निकाले हैं सिर्फ 3 प्लांट, ये देखिए इस तरीके से, किसी की जड़ें खराब नहीं हुई हैं, सबकी जड़ें भी हैं इसमें, है ना। ऐसा नहीं, आपको इस तरीके से नहीं निकालना है कि जड़ें टूट जाएं, जड़ें टूट जाएंगी फिर नहीं लगेगा, है ना। इस तरीके से जड़ें होनी चाहिए। अगर हम अलग और भी करना चाहें तो अभी इसमें और भी देखिए 4 प्लांट हैं, चारों को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा वैसा हो जाएगा, हल्का प्लांट हो जाएगा, तो हमें घना रखना है क्योंकि हमको रख के बेचना रहता है। इसलिए हमने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं और आपको थोड़ी जानकारी इसके बारे में दे देते हैं कि कैसे करें अलग प्लांट, जैसे अलग अलग करते हैं, ज्यादा प्लांट अगर हमें बनाने हैं एक प्लांट से, तो इसी तरीके से आपको भी निकालने हैं, जड़ें नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमने ये पहले तो ये सादा मिट्टी ले ली है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं मिलाना है। लोग ज्यादा कोकोपीट वगैरह मिला देते हैं, क्योंकि कोकोपीट इस प्लांट को नहीं देनी है, क्योंकि ये गल बहुत जल्दी गल जाता है इस प्लांट में। अगर आप कोकोपीट देखिए, ये कलकत्ता का प्लांट है, इसकी मिट्टी देखिए आप कैसी है, एकदम चिकनी हो रही है, टाइट मिट्टी देख रहे हैं है? तो इसमें हम डालेंगे सिर्फ बर्मी कंपोस्ट और कुछ भी नहीं डाल रहे हैं अभी, ठीक है। ये देखिए बर्मी कंपोस्ट है, और इसमें करीब वही मिला लेते हैं हम 30%, खाद की मात्रा 30% से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो जाए कम ना हो, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए ये हमने मिक्स कर लिया मिट्टी को, इसमें खाद और मिट्टी दोनों चीज मिक्स हो गई, ज्यादा कोई लागत नहीं करनी है, लगानी है। बाकी आप बोन मील और पोटास एक एक चम्मच डाल दिया करिए हर महीने, वो भी अच्छा है, और हर महीने वर्मी कंपोस्ट भी डालनी है आपको, ठीक है। चलिए अब दिखाते हैं हम आपको, चलिए अभी तो फिलहाल जिस गमले से हमने निकाला था प्लांट वही गमला ले लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलकत्ते का गमला है, ये बहुत ही अच्छे बनते हैं गमले, उस तरफ की मिट्टी चिकनी होती है इसलिए गमले काफी मजबूत होते हैं, देखिए अभी भी काफी मजबूत है, ठीक है। अब ये ले लेते हैं गिट्टी, साइड वाला छेद ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, दो प्लांट अलग से हमने निकाल लिए और ये प्लांट वहीं की वहीं वैसा ही हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी प्लांट तैयार कर सकते हैं फ्री में अपने गमले में, है ना, कोई लागत नहीं लगानी, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डाली है हमने और कुछ भी नहीं डाला है। तो देखा दोस्तों हमने किस तरीके से रिपोर्टिंग करी है, और इसी तरीके से आपको भी करना है। ज्यादातर करके एग्लोनिमा के लिए अगर आप मिट्टी का और सीमेंट का गमला लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और वैसे प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज का मतलब छेद ज्यादा करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। और पानी का ध्यान रखना है, जब भी आप पानी दें मिट्टी सूख जानी चाहिए, और एग्लोनिमा में कम से कम आप 10 दिन का स्पेस रखिए पानी का, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यही थी, छोटी सी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की नई नई जानकारी और नए नए प्लांट हम आपको दिखाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।